की स्थान तक जो 160 किलोमीटर की सड़क बनेगी और उस सड़क पर जो 2600 करोड़ रुपया खर्च होगा उसकी भी मंजूरी हो गई। और उसी सड़क में बकौर जो नबट्टा के बगल में है बकौर, वहाँ पर बड़े जोर शोर से 1400 करोड़ रुपए की लागत से कोसी नदी पर बहुत लंबा पुल बनेगा, उसका भी निर्माण तेजी में है, वह भी चल रहा है। इसीलिए साथियों लोग कहते हैं कि बिहार में कहीं विकास नहीं हुआ, उसको लगता है दिखता नहीं है, इसलिए कहता है या सच को झुठलाने के लिए इस तरह की बात होती है। मधेपुरा पे जब आप देखिएगा, पहले भी पुराने जो शासक थे मधेपुरा सांसद के रूप में उन्होंने मधेपुरा से प्रतिनिधित्व किया, लेकिन मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज, मेडिकल मधेपुरा में इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी अनुमंडल में ITI सेंटर, नर्स ट्रेनिंग स्कूल, इन्हीं के कृपा से सभी हुआ। सहरसा में डिग्री एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना हो गई, कौन सा काम अब बचा? हम तो सोच में रहते हैं कि फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आगे भी जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो इन्हीं को होना है। बिहार की जिन जनता का पुरजोर समर्थन आशीर्वाद इनके साथ है, तो फिर हम लोग सोचते हैं कि आप कौन कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको कर दीजिए, यही चिंता रहती है। लेकिन काम का कोई अंत नहीं होता, जितने सड़क बने हुए हैं अभी कोरोना काल नहीं होता तो लगता विकास के मामले में युद्ध मचा हुआ। 4000 करोड़ रुपया इन्होंने वर्ल्ड बैंक से ऋण ली थी कि जो क्षतिग्रस्त सड़क है उसका नवीकरण किया जाए, जो टोला मोहल्ला छूट उसको पूरा किया जाए, और कई दर्जन पुल तो आपके इलाके में स्वीकृत हुई। सिमरी बख्तियारपुर के इलाके में बाढ़ जो त्रासदी आया था उसी समय में जब सर्वेक्षण हुआ था, तो ईमानदारी की बात यह है कि सिमरी बख्तियार